दोस्तों यहाँ राधे वर्सेस लक्ष्मी बॉम्ब ये दोनों ही धमाकेदार फिल्में अब फाइनल हो चुकी है और इसमें 2020 ईद में दोनों फिल्में हमें एक साथ देखने को मिलेगी। जहाँ अक्षय कुमार ने सलमान खान से पंगा लेते हुए अपनी लक्ष्मी बॉम्ब को पूरी तरह से फाइनल कर डाला है 2020 ईद में, और इसमें लंबे समय के बाद हमें भाईजान और खिलाड़ी कुमार के बीच एक बड़ा क्लेश होता दिखेगा। दोस्तों यहाँ सबसे पहले तो अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब की बात करें तो यहाँ लक्ष्मी बॉम्ब एक हॉरर कॉमेडी मूवी है और इस फिल्म में आपको अक्षय कुमार खतरनाक अवतार में दिखेंगे। साथ ही ये एक रीमेक फिल्म है और वहीं राधे को देखें तो ये फिल्म एक्शन और कॉमेडी से भरी होगी और इस फिल्म में हमें भाईजान का राधे अवतार देखने को मिलेगा और वहीं ये भी एक रीमेक फिल्म होगी। तो इसमें फैंस तो इन दोनों ही फिल्मों को देखना जरूर पसंद करेंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ ईद पर जैसा कि सलमान खान का ही दबदबा होता है और इसमें राधे बड़ा कमाल करेगी, लेकिन अक्षय कुमार जो कि अपनी फिल्मों को हिट कराने में माहिर है और इसमें 2020 ईद में काफी बड़ा क्लेश होता दिखेगा। हालांकि दोस्तों ये दोनों ही फिल्में अलग अलग तरह की है, हालांकि फिर भी साफ तौर से कहा जा सकता है कि बॉक्स ऑफिस का बंटवारा होने वाला है और इसमें जब सलमान खान ईद में एक बड़ा कलेक्शन करते हैं, साथ ही अधिकतर सलमान खान को सोलो रिलीज मिलती आई है, लेकिन इस बार अक्षय कुमार भी अपनी फिल्म ला रहे हैं ईद 2020 में, तो इसमें राधे सबको काफी ज्यादा लुभा रही है और काफी सबको पसंद आ रही है और वहीं अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब का भी सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें 2020 ईद में दो शानदार फिल्म है और इसमें दोस्तों आप किस फिल्म को देखना ज्यादा पसंद करेंगे, सलमान खान की राधे या फिर अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब, हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।